नमस्कार, मैं खलील पंवार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव न्यूज। आज हाजी बल्लू श्रीराम कॉलोनी से आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन की है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में उनका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पट व फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं निगम पार्षद शाइस्ता चांद ने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने निगम पार्षद शाइस्ता चांद को पटका पहनाकर वे फूलों की माला हाथ में देकर स्वागत किया। वहीं कार्यालय में लगभग 10 से 15 कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मोहम्मद शहजाद श्रीराम कॉलोनी ने जबरदस्त तरीके से मेहनत कर हाजी बल्लू व शाइस्ता चांद को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई। दिल्ली से अब्दुल गफ्फार अंसारी की रिपोर्ट। जी, जो भी मौजूदा पार्षद हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा तो शहजाद तुझे परेशानी होगी क्योंकि तू भी टिकट का दावेदार है। मैंने कहा मेरे लिए टिकट हाजी जी कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए पार्टी पहले मजबूत मायने रखती है और उसके बाद जो पार्टी का निर्णय होगा मैं सर माफ करूंगा। और उसके बावजूद भी अगर मुझे टिकट होता होगा तो मैं पहले आवाम से पूछूंगा, अगर उनकी जो मर्जी होगी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जो आवाम कहेगी मैं उस बात को मानूंगा। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज हमारा परिवार एक साथ एक मंच पर है और इंशाल्लाह ताला मैं अर्जुन के दीवार से एक बात कहना चाहता हूँ कि श्रीराम कॉलोनी से जन सैलाब उठा है। अगर तुझे हमने दिल्ली से भला करना छोड़ा तो इंशाल्लाह ताला हम अपने शत्रु ने दिखाएंगे। ये बात याद रखना कि तूने हमारे एरिया को दंगे में छोड़ने की कोशिश की थी। अब हम तुझे बताएंगे कि ये वक्त आ चुका है कि श्रीराम कॉलोनी के अंदर फिर वो मजबूत कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हो गई है श्रीराम कॉलोनी। और इंशाल्लाह ताला फिर श्रीराम कॉलोनी के अंदर कांग्रेस का प्रचार लहराएगा। और आप लोग देखना इंशाल्लाह जो हमारी कॉलोनी के अंदर विकास की लहर कांग्रेस के राज में हुआ करती थी, इंशाल्लाह ताला वही विकास की लहर एक बार फिर दौड़ेगी, फिर दौड़ेगी। धन्यवाद। खासतौर से जुल्फिकार अली साहब आम आदमी पार्टी के चेयरमैन हैं और आज वो इस कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो झूठ बोला है खासतौर से रोजगार के इशू में, दिल्ली के विकास के नाम पर, राशन कार्ड का विषय हो, पांच की वही मकान का मसला हो, क्षेत्रीय डेवलपमेंट हो, हर मोर्चे पर सरकार फेल हो। सबसे बड़ी बात कोविड काल में सरकार के जो लाख दावे थे स्वास्थ्य के किए गए कार्य आज उनकी पोल खुल चुकी है। और जो भाईचारे में कुठारा घात हुआ है, जिस तरह से मुख्यमंत्री की तीसरी बार शपथ लेकर के केजरीवाल साहब गद्दी में बैठे थे, कोविड काल में छुप के घर बैठ गए, आज उसी का नतीजा है कि इतनी तादाद में लोगों की मौत हुई। जब इतनी तादाद में मौत होती है तो स्वाभाविक है लोग उनसे सवाल पूछेंगे, या कि लोग सांसों के लिए तड़पते क्यों नहीं, बैठ क्यों नहीं मिले, दवाइयाँ महंगी क्यों थी, इंजेक्शन के रेट इतने ज़्यादा काला बाजार में क्यों, ये तमाम बातें हैं। और ये बातें हम ग्राउंड में फोन कॉल यात्रा के माध्यम से भी लेके जा रहे हैं, लोगों का रुझान मिल रहा है। और आज उसी के तहत आज एक ऐसा कांग्रेस में परिवार जुड़ा है जो अपने समाज में बल्कि क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए विकास की सामाजिक कार्यों की। मैं यही कहना चाहता हूँ अरविंद की कोर्ट को भाजपा के अनिल जी छठ को मंजूरी मिल गई है, छठ पर्व के आयोजन को लेकर DDMA की बैठक हुई, उसमें छठ को मंजूरी मिली और दिल्ली सरकार अब स्कूलों को भी उन्होंने मंजूरी दे दी है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई नहीं है कि सातवीं आठवीं अब पूरी तरीके से स्कूल को लेकर आप लोग भी मांग कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की मांग थी, मैं छठी मैया के इस पर्व को मैंने पहले चैलेंज किया था कि अरविंद नहीं रोक पाई, लेकिन अरविंद का जो एक नया चेहरा दिखाई दिया था पूर्वांचल विरोधी, कोविड काल में जिस तरह से श्रमिक परेशान हुए, लाखों लोग अपने गांव की तरफ निकल पड़े, बॉर्डर पे धक्के खाए, पैदल चले, भूख से परेशान हुए, रोजगार चले गए, और दूसरा ये निर्णय कि छठ पूजा नहीं होगी, ये क्या दर्शाता है आज वो निर्णय लेना पलट। यदि यही बात अरविंद केजरीवाल पहले DDMA की मीटिंग में कह देते तो परेशान नहीं होते लोग, परेशान नहीं होते छठ मैया का
आयोजन अच्छे से होता, लेकिन अभी भी जिस तरह से उनकी नींद टूटी है, ये हालांकि मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, अरविंद केजरीवाल हमेशा सो सो के जागते हैं, देर से जागे हैं, जगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब उनसे प्रश्न पूछा और ये आवाज जो थी, जो प्रश्न थे वो पूर्वांचल के, दिल्ली के और जनता के प्रश्न थे, जिसमें आज सरकार को फिर से झुकना पड़ा।